ऑडियो क्लियर है स्क्रीन विजिबल यस सर यस यस ओके सो स्टार्ट करते हैं सो इन द लास्ट सेशन वी डिड हाउ टू इंस्टॉल सर्वर वर्चुअलाइजेशन आज हम लोग इसको कवर करते हैं लाइक हाउ टू मैनेज और वॉट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज कोर सर्वर ओके सो विंडोज कोर सर्वर मीन्स यस्टर्डे वी डिड हाउ टू इंस्टॉल कोर सर्वर ऑन वीएम और एनी अदर प्लेटफॉर्म यू कैन इंस्टॉल विद द हेल्प ऑफ सिंपल वो एस इंस्टॉलेशन मेथड नाउ वी आर गोइंग टू म्यूट करके रखेंगे सभी लोग म्यूट करके रखेंगे ओके okay. ये पूरा नाम आप लोग नहीं लिखते हो जिस नाम से इंक्वायरी लिए थे कोई जय लिख रहा है कोई राम लिख रहा है पूरा नेम आप लोग लिख दिया करो ऐसे समझ में नहीं आता ना इनकम्प्लीट नेम रहता है कंप्लीट कर लीजिए सो विंडोज सर्वर कोर ओके आर विंडोज कोर सर्वर कोर सर्वर वी डिड आर हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन लास्ट सेशन एंड उस इंस्टॉलेशन के बाद हमें यह आइडिया लग गया था कि यस कोर सर्वर वी कैन मैनेज ओनली यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस

So in the core server you can manage. Uh, there are limited option like one, two, three, four. There are some index with the help of these index, you can learn. You can understand the concept of core server management. Okay. Uh, we are going to learn this particular topic additionally in our syllabus because uh, you will learn uh, core server further. वट एवर जब भी आप इसको एज अ पारसेल वगैरह के बारे में कोर्सेस करने जाएंगे वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर इन्वायरमेंट ओके आप में से किसी ने लेनेक्स इन्वायरमेंट हैंडल किया है लेनेक्स इन्वायरमेंट को मैनेज किया है एनी वनो सब So, in Linux environment, also there is two uh, mode to install the server. One is core uh, is Linux ke environment may maybe mile minimal installation and another one is full or um, GUI, right So minimal installation means uh, it has limited feature or core means uh, like only you can manage the Linux server through. Command line interface, okay. But you can manage everything if you have idea that how to operate uh, uh, tasks and services and roles using command line, okay. Then definitely you can manage complete role and features for your Linux server with the help of uh, command line, okay, or in core server. But you can use GUI to manage the. Uh, सर्वर विथ कमांड लाइन एज वेल एज विथ जी यू आई ओके तो ऐसे को करते हैं विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरीके से अपने सर्टिफिकेशन को दे रखा है इफ यू वॉन्ट टू लर्न कोर्स सर्वर यू कैन लर्न पार्सेल एंड अदर कोर्सेस रिलेटेड स्क्रिप्टिंग और पार्सल तो उधर आपको इसके बारे में पूरा ऑपरेशन मिल जाता है पढ़ने को पार्सेल का अगर आप कोर्स चाहते हैं तो मैंने छः सात पाँच छः साल पहले एक डेमो मतलब कि एक बिगनर गाइड प्लान किया था वेयर यू कैन मैनेज कंप्लीट एक्टिव डायरेक्टरी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर योर सर्वर फॉर योर कोर सर्वर तो उसमें देखेंगे बट वो टोटल टो, 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 कोर सर्वर नहीं मैंने वहाँ जी इंस्टॉल करके उसी में पार्सल का कंप्लीट प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आप उधर चेक कर सकते हो बिगनर के लिए काफी हेल्पफुल है यूट्यूब पर डाल रखा है फ्री में बट अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अभी आप उसको पढ़ने के लिए मत जाना अभी आप दो महीने तक जो हम लोगों का सर्वर है उसको पढ़ते हैं लेटर हम लोग पास पढ़ने के लिए बहुत समय रहेगा राइट सो दिस इज द स्क्रीन आर दिस इज द डैशबोर्ड फॉर कोर सर्वर यर यू कैन मैनेज डोमेन एंड वर्क ग्रुप रिलेटेड सेटिंग्स फॉर योर कोर्स सर्वर यू कैन मैनेज कंप्यूटर नेम फॉर योर सर्वर एंड एड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर सर्वर

जस्ट अगर हमें डोमेन और वर्क ग्रुप को ज्वाइन करना है मैनेज करना है तो वन लिखूंगा जस्ट यहाँ पर वन और इंटर की प्रेस करूंगा ये टास्क आगे के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा तो सिंपल दिस वे यू कैन कॉन्फिगर यू कैन मैनेज कोर्स सर्वर बट वॉट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स सर्वर मे बी Uh, अगर आप पार्सल आता हो या ना आता हो पार्सल का एक अलग प्रोग्राम है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर सर्वर के बारे में इंटरव्यू एज अ आप सर्वर एडमिन एम सी एस से जीओ uh, रेडमिन इसके लिए भी जा रहे हो सो इंटरव्यूअर कैन आस्क अबाउट कोर सर्वर मैनेजमेंट व्हाट इज द कोर सर्वर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कोर सर्वर ओके सो एनी वन हैव एनी आइडिया दैट वॉट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस एंड सर्विसेज वी कैन मैनेज

एक्सेस करते हैं या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी विंडोज और मशीन पे बस यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे हमको वो सब टास्क कमांड लाइन के थ्रू परफॉर्म करने पड़ते हैं ग्रेट और कोई कुछ आप लोग सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं स्टार्टिंग के एक दो सेशन में आप लोगों ने देखा बहुत इधर उधर की क्वेरीज कर रहे थे आपसे बेसिक क्वेरी किया जा रहा है है ना बहुत एडवांस का कोई एक सेंट एक टॉपिक समझने के लिए हमें ये बेसिक भी नहीं पता है तो फिर हम कंपनी में सर्वाइव कैसे करेंगे आगे चल के आज नहीं तो कल कंपनी आपको हटा देगी है ना तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि ये बैच काफी मेच्योर बहुत जेन्यन मतलब कि अच्छी नॉलेज के साथ है तो ये बेसिक चीजों में बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे आप लोग आप लोगों की क्वेरी के हिसाब से मैं जस्ट बता रहा हूँ आई एम नॉट जस्ट डीमोटिवेटिंग एनी मन क्योंकि जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं क्वेरी करा ये है वो है बट उससे पहले ये सब चीज़ें तो हमें पता होना चाहिए ना एज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हमारे अंडर में दो बिगनर आ गए तो फिर हम कैसे उनको हेल्प करेंगे सीधे बोलेंगे भाई जैसे हमको नहीं हेल्प मिलती है वैसे तुमको भी नहीं मिलेगी है ना कुछ तो आंसर करिए सभी लोग सामने लिखा हुआ भैया तो नहीं बताएंगे है ना ठीक है सिंपल uh, मैं एक जनरल क्वेरी करता हूँ रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम टू एवरी वन एनी वन कैन आंसर लाइक आई थिंक सभी को पता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है क्योंकि इस पर मैंने पूरा आपको बताया कल भी इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ों में देखा ओ के बारे में क्या है बट uh, यहाँ पर एक क्वेरी किया जाए कि हमारे पास एक ओ इंस्टॉल किया मैंने कमांड लाइन से रन करने के लिए ओनली सी है और एक मैंने इंस्टॉल किया जी जिधर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलता है ठीक है ये सर्वर के लेवल की चीजें भूल जाओ नॉर्मल ओ की मैं बात कर रहा हूं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओनली कमांड से मैनेज होगा एक है जो कमांड और जीवाई दोनों से मैनेज होगा दोनों में चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो टास्क एक्टिविटी को लेकर हो किस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एंड विच वन इज बेटर विथ एनी सिनेरियो

इतना है इंटरव्यू या कहीं उसके लिए उसको पता चल जाएगा सामने वाले यस यू कैन एक्सप्लेन फर्दर मोर डिटेल अबाउट पर्टिकुलर सर्वर क्योंकि जो बहुत मतलब नहीं होता प्रायोरिटी लेवल के आंसर्स होते हैं अगर आप वो डिलीवर कर सकते हो तो आप और ज्यादा उसके बारे में बोल सकते हो तो कुछ ऐसे चीजों से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स uh, या एरा क्रिएट कर सकते हैं तो ठीक है और कोई कुछ जस्ट सिंपल कि क्या लगता है हमारे पास कमांड से यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है अगर अच्छा है तो जैसे एक्सप्लेन किया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बेटर है सिक्योरिटी ब्रीच करना कोर लेवल में थोड़ा सा टफ रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर आ आज आसानी से चीज एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा कोई है ना उसके लिए पूरी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए सर ये पॉइंट हो सकता है कि ये थोड़ा मतलब जी से ये कमर uh, लाइन में है इसलिए इसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा ही रहेगा यस यस हंड्रेड परसेंट ये इंक्लूड हमें करना ही करना है कि परफॉर्मेंस वाइज जो हमारा जी यू सर्वर है ये डाउन होगा या एक तरीके का हैवी रिसोर्स इस्तेमाल करेगा बट हमारा जो कोर सर्वर है वो एक लाइक like, प्रिसाइज uh, ये बोल सकते हैं बेटर एक्यूरेसी के साथ हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा राइट इन कोर सर्वर गुड तो ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेन स्टॉमिंग इसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा आप आ, अपने आप को जैसे वो करते हो इनर से कि हाँ कैसे क्या करना है किसी भी क्वेश्चंस का आंसर क्या है और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा सीएलआई uh, में कमांड ज्यादा याद रखना पड़ेगा जी में इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड इजी टू रिमेम्बर आल्सो हम्म ये भी हमारा बेसिक आंसर सही है और, और सीएलआई में ये भी है कि हम ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ जॉय क्योंकि मोस्टली हम स्क्रिप्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें पुश कर सकते हैं तो इसलिए जो हमारा टाइम जो है वो ज्यादा सेव होता है इन कंपैरिजन ऑफ जॉय यस yes, क्योंकि वो थोड़ा मैन्युअल प्रोसेस है यस यस टाइम सेविंग एंड एक्यूरेसी ऑफ टास्क ये हमें सीएलआई में बेटर मिलता है राइट गुड तो यही सारी चीजें हैं है ना आप जब भी कोई भी आ, कोई भी एक टॉपिक मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को कवर कराऊंगा बहुत इजी वे से और बिल्कुल इंटरेक्टिव उसके साथ होने वाला है तो आ, इस पर हमेशा जैसे आ, अपने कुछ पर्टिकुलर आंसर या कुछ ऐसे करने की कोशिश करेंगे जितने भी टॉपिक्स होते हैं

you cannot manage only 15th okay our 15th number of features are roles in core server this is the default dashboard okay our default features are uh, like index given by core server you can manage different different types of activities and every types of task and services in core server with the help of powershell okay in graphical environment you can manage everything through gui but uh, इन द को सर्वर कोर सर्वर सपोर्ट आर कंप्लीट बेस्ड ऑन पार्सल मैनेजमेंट अब आपको पार्सल जितना होता है उतना बेटर तरीके से सकते हो तो अक्सर लोगों का यही होता है कि अगर मुझे पार्सल इतना रटना पड़े इतना याद करना पड़े इतना काम करना पड़े तो इससे बेटर है कि हमने लिनेक्स सर्वर में चले जाए है कि नहीं बहुत सारे लोगों का ये भी, भी, भी थॉट होता है डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट ऐसा होता है वे मैं कोर सर्वर में क्यों टाइम वो करूं बेटर है कि मैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी लिनेक्स इन्वायरमेंट में ले लूं और एक तरीके का लिनेक्स का जो कमांड लाइन मैनेजमेंट है वो काफी इजी है इन कंपेयर ऑफ जी यू आई ऑफ लिनेक्स है ना आप लिनेक्स का अगर सी कुछ दिन ऑपरेट कर लिए तो जी पर काम नहीं करना चाहोगे क्योंकि उसमें जी यू जिसे जैसे विंडोज में हमें सत्तर अस्सी परसेंट जी के साथ अच्छा लगता है मजा आता है वैसे ही हमारा लिनेक्स में कमांड लाइन के साथ सत्तर अस्सी परसेंट का जो टास्क है वो अच्छा लगता है है ना काम करने में तो एक आग, समझ लीजिए कि एक फील आता है जब भी आप ऐसा दोनों सर्वर को मैनेज करते हो ओके सो कोर सर्वर इजी टू मैनेज ओके एंड इट्स अ स्मॉलर वर्जन ऑफ सर्वर एंड प्रोवाइड स्मॉलर फुटप्रिंट ओके मीन्स एक लाइटवेट और मिनिमम सर्विसेज के साथ रन होने वाला सर्वर है तो इट हैज लिमिटेड मिनिमल हैजेड ओके बहुत कम लॉग यार ऐसा आपको देखने को मिलेगा इम्प्रूव परफॉर्मेंस इट परफॉर्मेंस बिकॉज अब सोचो कि आप पांच सौ रैम से सर्वर को ऑपरेट कर सकते हो और कहीं जी सर्वर के लिए आपको टू जी चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए आप जितना हैवी काम करोगे उतना ज्यादा रैम चाहिए है ना बट यू कैन स्टार्ट योर कॉन्फिग्रेशन एंड टास्क विथ फाइव हंड्रेड ट्वेल्व एंड यान स्टार्टर कॉन्फिग्रेशन टास्क विध टू जीबीआई अगर दो रोल इंस्टॉल कर दिया चार रोल इंस्टॉल कर दिया और टी टी फाइव इंस्टॉल कर लिया तो दो जीबी के साथ मैनेज करना मुश्किल है है ना बट अगर आपके पास दो चार छ रोल मैनेज करना है तो दो जी बी के साथ मैनेज कर सकते हो आप टू थाउजेंड ट्वेल्व वर्जन इंस्टॉल कर लो काम वही है प्रैक्टिस वही है एक एक स्टेप वही है बस आपको अगर बहुत हैवी डेटा सेंटर की जरूरत या ऐसे सर्वर की जरूरत नहीं है तो फिर आप उसको रिड्यूस करके अपने इसके साथ फिर लोअर रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हो प्रैक्टिस मैंने क्या बताया 2012 से 2025 तक का कोई भी एडिशन आप ले लो सारे प्रैक्टिकल सेम है कहीं पर भी स्टेप डिफरेंस नहीं मिलेगा ओके तो ये सारी चीज़ें हैं तो मीन्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फ्यूअर अपडेट एंड रिबूट्स हम सबको पता है कि जब ये कोर सर्वर है बहुत ज़्यादा इसके अंदर फीचर इनेबल नहीं है तो इसमें अपडेट भी हमें कम मिलेगा लिमिटेड अपडेट्स मिलेंगे एंड डेफिनेटली लिमिटेड अपडेट्स के साथ इसमें रिबूट भी लिमिटेड होगा है कि नहीं बहुत ज़्यादा अपडेट हमें मिलता है तो हम हमेशा देखते हैं कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे जितने बार भी अपडेट होते हैं सारी चीज़ें होती हैं

वेरी वेरी एसेंशियल टास्क इन सर्वर इन्वायरमेंट क्योंकि ऐसा फेस किया है? रिक्वेस्ट। हाँ, रिक्वेस्ट करनी है ना, अपने, मतलब एडमिन टीम के साथ या इंफ्रा टीम के साथ आर्किटेक्ट टीम के साथ तो पर्टिकुलर yes. वो टीम सारे प्रो एंड कॉन्स देखते हैं ना यानी कि प्लस एंड माइनस देखते हैं कि अगर हमारा सर्वर रिबूट होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है किस किस ऑर्गेनाइजेशन के किस किस सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम आएगी कौन कौन सी सर्विसेज डाउन होंगी रिबूट करने से बेटर है कोई और सोल्यूशन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते मीन्स ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क है इवन देन रिबूट करना भी समझ रहे हैं आप लोग तो जब लिमिटेड रिबूट्स है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये काफी फ्रूटफुल हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए सारी चीजों के लिए बट यस जीवाई का भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है हम लोग ज्यादा तारीफ इसकी ना करें क्योंकि <laughs> इसको तो मैनेज नहीं कर रहे बट यस yes, आपको इसके कुछ फीचर्स मिलते हैं जो कि टफ होता है मैनेज करना और ये सारी चीजें ओके आइडल फॉर मेकिंग इट आइडल फॉर सर्वर इन्वायरमेंट वेयर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड मिनिमल मेंटेनेंस आर प्रायोरिटीज़, राइट right? तो कम से कम मेंटेनेंस ये मांगता है कम से कम ये रिसोर्सेस में काम करता है लाइक कम से कम मतलब कि जहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस चाहिए मान लिया कि आपको एक वेब सर्वर चाहिए तो आपने कोर के थ्रू या मान लिया एक्स सर्विस रन करनी है कोर के थ्रू रन कर दिया अब ये सर्वर लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ है तो ये सर्विस कितना ऑप्टिमाइज होकर काम करेगा बट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेंटर है तो आप इस सर्वर के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है इसीलिए कंपनी मैक्सिमम या हमेशा क्या डिमांड करती है एक जी फुल फीचर्ड सर्वर ओके डेटा सेंटर एडिशन जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल किया जिसमें फुल फीचर्ड सर्वर या सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्फ़िगर करने के लिए मिल जाता है क्लियर है सभी को जी जी सर तो ये सारी चीजें मिलती है यही है इट रिड्यूस सरफेस अटैक और अटैक सरफेस बिकॉज अगर हम एक जीवाई सर... आप आप लोगों ने सुना होगा मैं इसको आप लोगों के ही आंसर में बोल देता हूँ जैसे कि लिनेक्स सिक्योर है इन कंपेयर ऑफ विंडोज तो कोई पूछता है क्यों सिक्योर है तो आप बोलते हो कि वो कमांड से ऑपरेट होता है और सबको आता नहीं है है ना या फिर अगर उसके अंदर कोई सर्विस है तो कमांड से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी कमांड से उसको ऑपरेट इंस्टॉल सब कुछ करना पड़ेगा ओके okay? और उसके लिए भी रूट यूट, यूट, रूट यूजर की प्रिवलेज चाहिए ऐसे विंडोज़ में हमारे पास है कोर सर्वर आ गया आप कोर सर्वर में कोई टास्क एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी सामने वाले को कोई एप्लीकेशन इंस, इंस्टॉल करना मुश्किल है क्योंकि जी है ही नहीं कि वो क्लिक करेगा यूज़र कहीं पर है ना तो सरफेस रिड्यूस तो होगा ना अटैक वगैरह को लेकर या फिर अटैकर्स वगैरह के लिए थोड़ा सा टफ होगा यहाँ पर किसी भी वलबिलिटीज़ को सेंड कर पाना या किसी भी लूप को डूट पाना ये सारी चीज़ें राइट लोअर रिसोर्सेस कंजप्शन डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम रिसोर्सेस का कंजप्शन हमें देखने को मिलता है और मिनिमम uh, हार्डवेयर में पूरा अपडेट होता है कम रिबूट्स वगैरह मिलता है कम अपडेट मिलता है परफॉर्मेंस और अप टाइम बेटर मिलता है डिज़ाइन फॉर रिमोट मैनेजमेंट आप देखो कोई एक कोर सर्वर मान लिया कि आपके पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेंटर है आप गूगल में काम कर रहे हो और गूगल का मान लिया फॉर एग्जांपल गूगल का एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है जहां 200 सर्वर्स लगे हुए हैं आपको नहीं पता वो लोकेशन कहां कहां है क्या क्या है बट इफ यू वांट टू एक्सेस एक्स एनी सर्वर और एक्स सर्वर एंड इफ यू वॉन्ट टू डिप्लॉय दी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट सर्वर so you can create remote session with your core server with the target server and then you can deploy the task in that server ओके okay, तो एक सिक्योर रिड्यूस सरफेस के साथ या अटैक सरफेस के साथ आप क्या करते हो परफॉर्मेंस भी बेटर मिलती है और अपने लैपटॉप से कोर सर्वर इंस्टॉल करके नॉर्मली किसी भी मिनिमम हार्डवेयर की मशीन पर इंस्टॉल करके आप अपने टारगेट मशीन को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें पार्सल के थ्रू चीजों को डिप्लॉय कर सकते हो यू कैन एक्सेस योर कोर सर्वर थ्रू एस एंड डिप्लॉय द डिफरेंट टास्क यू कैन एक्सेस यू कैन क्रिएट अदर टाइप्स ऑफ रिमोट सर्विसेस है ना विद द हेल्प ऑफ कोर सर्वर एंड इन योर जी यू आई सर्वर और आप उसको मैनेज कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं टिपिकली हम लोग देखें तो टिपिकल यूज केस फॉर विंडोज सर्वर कोर वेब सर्वर मीन्स यू कैन रन आई आई एस विथ फ्यूवर कंपोनेंट्स मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि इफ़ यू वॉन्ट टू डिप्लॉय एनी वेब सर्वर सो यू कैन मैनेज विद दल्प ऑफ Uh, this particular server, okay. and also you can manage Active Directory domain services, you can manage virtualization, you can manage database servers, okay. you can manage SQL and other uh, different different uh, database R sql servers, okay. with the help of this particular uh, server. तो so, ये बहुत यूनिक और सारी चीजों के साथ प्रोवाइड करता है. इसके हार्डवेयर रिसोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो there are limited hardware resources, okay. मिनिमम हार्डवेयर रिसोर्सेज पे सारा काम करता है तो इसको हम लोगों ने कल भी देखा था 1.4 पॉइंट का प्रोसेसर चाहिए 512 हंड्रेड का रैम चाहिए बट दो जी रैम आप सारे काम कर सकते हो अच्छे से मैनेज कर सकते हो और भी यूजर की ट्रैफिक लेकर आनी है तो और रैम बढ़ाना पड़ेगा इस्टोरेज यू के लिए थर्टी टू जी है बट कोर सर्वर के लिए आप जा सकते हो फाइव टू टेन जी में भी इंस्टॉल हो जाएगा बट आगे काम करना है तो यू कैन यूज़ मोर स्पेस नेटवर्क अडॉप्टर्स यहाँ पर मिलता है जो कि नेटवर्क अडॉप्टर तो मैंडेटरी नहीं कि एक जी का कनेक्शन लोगे या इंटरफेस रहेगा तभी काम करेगा इथरनेट है तो भी चलेगा और बेसिक ग्राफिक कार्ड सिक्योर बूट हमारे आज के जितने भी प्रोसेसर या फिर हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप आप बीस हजार का लैपटॉप ले तो उसमें भी ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं राइट right. ये सारी चीज़ें So, अगर हम लोग यहाँ से कोर सर्वर को मैनेज करें मैं यहाँ से अपना लॉन्च करता हूं जैसे हमारे पास एक कोर सर्वर है ये आप विंडोज सर्वर 2012, 16, ट्वेल्व सिक्सटीन एटीन कुछ भी ले सकते हो डिपेंड ऑन यू ठीक है ओके तो मैं एक्सेस करता हूँ एक मिनट हमारा को सर्वर लॉन्च हो रहा है एंड यू कैन सी सिंपल कंट्रोल अल्ट और डिलीट की आप यहां पर प्रेस करेंगे नाउ यू कैन नाउ यू विल बी एबल टू लॉग इन इन योर को सर्वर एंड सी दिस इज द सर्वर सो यर यू कैन टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड एंड सर्विस लाइक स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट दर्विसेस बट लेट मी फिक्स द रिजोल्यूशन फॉर दिस सर्वर तो फॉन्ट साइज वगैरह मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आई थिंक दिस वन ये थोड़ा सा जूम करके प्रॉपर्टीज फॉन्ट साइज ये ठीक है ऐसा कुछ सो so, अभी थोड़ा सा ये जूम करके रहेगा ना यू कैन सी अगर मैं आई पी कॉन्फ्लिक देता हूँ तो दिस इज द आई पी एड्रेस एंड डिफॉल्ट गेट वे इज इलेवन डॉट टू सो दिस इज द लाइक डायनमिक आई पी एड्रेस आई थिंक एंड लोकल डोमेन ओके लोकल डोमेन एंड दिस इज द डायनमिक आई पी एड्रेस सो इफ यू वॉन्ट टू मैनेज कोर सर्वर दिस इज द सिंपल कमांड लाइन इंटरफेस ओके सो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इन विंडोज कोर सर्वर विंडोज कोर सर्वर अच्छे या मतलब सारे फीचर के लिए पावर सेल के ही भी यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है तो पावर सेल को यहाँ पर लॉन्च कैसे करेंगे तो सिंपल कमांड लाइन है कमांड लाइन से आप डायरेक्टरी बना सकते हो आईपी चेक कर सकते हो आईपी को रिलीज रिन्यू कर सकते हो ये सारी चीजें कर सकते हो बेसिक टास्क डिटेल्स चेक कर सकते हो और भी मल्टीपल बेसिक काम कर सकते हो बट सर्वर लेवल की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यू नीड टू रन विथ पावर सेल और पार्सेल तो पार्सेल लॉन्च कैसे करेंगे आप यहां पर लिखिए स्टार्ट नहीं स्टार्ट पार्सल लिखने की जरूरत नहीं आप लिख दो एस कॉन्फिग ये कमांड याद रखेंगे अब इतना आप नोट कर लेना कहीं जस्ट कि ये याद कर लेना ये कहा मैं लिख कर दू ये जस्ट मैं आपको यहाँ चैट बॉक्स में ऐड कर देता हूं आई कैन यूज एस कॉन्फिग कमांड टू ऑपरेट कोर सर्वर ओके जैसे मैंने एंटर किया नाउ यू कैन सी नाउ आई कैन मैनेज कोर सर्वर सेटिंग्स सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी डोमेन सर्वर आर इफ यू वांट टू मूव ऑन वर्क ग्रुप सो यू कैन प्रेस वन एंड देन हिट इंटर इफ यू वांट टू चेंज द कंप्यूटर नेम सो प्रेस टू एंड हिट इंटर जैसे मैं प्रेस टू और हिट इंटर करता हूँ कह रहा है कि योर न्यू कंप्यूटर नेम तो वन मैंने कर दिया और एंटर कर दिया कह रहा है कि इट विल री ओके तो ये yes, री होने देंगे कंप्यूटर नेम और कुछ ऐसे काम जब आप करते हो ना उसमें री रिक्वायर्ड होता है तो मैंने यहां से जस्ट रीस्टार्ट कर दिया और अगेन मैं यहां से जब लॉग इन करूंगा एंड यू कैन सी एस कॉन्फ़िग नाउ कंप्यूटर नेम इज कोर वन है ना तो इजिली आप इस तरीके से कोर सर्वर के बेसिक डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हो नेटवर्क सेटिंग यहां पर है ट टू चेंज आर अपडेट रिमोट बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ इंडेक्स को उससे रिलेटेड सेटिंग हो जाएगी जैसे नेटवर्क सेटिंग अगर हम लोग देखे एट नंबर एट इंटर सी दिस इज दई पी एड्रेस एंड ये आई पी कहां से हमको मिल रहा है इंडेक्स नंबर टेन पर है तो टेन पर मैं लिख कर इंटर करता हूं नो यू कैन सी इट विल आई पी एड्रेस इंस्टॉलेशन एक्जिक्यूटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्वर ओके लाइक वन नाइनटी टू वन सिक्स इलेवन डॉट टू नॉट जीरो सर्वर तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है डीएससीपी से सर्विस मिल रही है क्योंकि यहाँ ट्रू लिखा हुआ है फॉल्स रहता तो मतलब डीएससीपी हमारा यहाँ काम डिसबल यस डिसबल है फॉल्स मीन्स डिसेबल और ट्रू मीन्स इनेबल ये सिंपल है राइट सो so, यहाँ से आप चेक कर सकते हो एंड दिस इज द करेंट आई पी एड्रेस इफ यू वॉन्ट टू सेट द मैनुअल आईपी एड्रेस फॉर दिस मशीन, सो यू कैन सी दीज आर द सेटिंग आर मैनुअल्स so see this is the set network adapter address set dns ip clear dns settings return to back our previous menu so set network address one and hit enter you can see DSCP are static as many static to so what is the static ip so you can type any ip address like i want to add an address like 192.168.2.231 and uh, एंटर देन डिफॉल्ट मास्क कह रहा है टू फाइव फाइव ले लेंगे ठीक है गेट वे पूछ रहा है तो वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टू डॉट वन एंड डन कह रहा है कि द आई पी एड्रेस कुड नॉट बी चेंज्ड अच्छा कुछ रीजन बस यहाँ पर ये चेंज नहीं किया आप री एग्जीक्यूट कर सकते हो मैंने कोई एड्रेस गलत तो नहीं दिया था वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट टू डॉट थर्टी वन है गेट वे अच्छा ठीक है तो एस कॉन्फिक्स से दोबारा आते हैं एट प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर देखो दूसरा कोई एड्रेस ये ले रहा है ओके तो वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टू डॉट वन आई पी इसने मैनेज uh, नहीं किया तो एंटर करते हैं और यहाँ से एस स्टैटिक लेते हैं और इंटर स्टैटिक आई पी एड्रेस वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टू डॉट टू थर्टी फाइव किसी कंप्यूटर का आई पी तो नहीं मैंने ये दिया है ना तो ले लेना चाहिए एंड टू डॉट वन मैंने चेंज तो कर ही दिया एंड सी कंप्लीट हो सकता हो टू थर्टी वन कहीं पर ये कर रहा हो ये कुछ आई uh, पी के साथ सो इफ यू वॉन्ट टू सेट द कैन टाइप टू एंड सेट दी डी एन एस आई पी सो दिस इज द सिंपल वे टू कोर सर्वर विथ बेसिक डैशबोर्ड लेटर You can uh, execute complete detail and you can execute different different types of parcel uh, script to deploy the different different types of task and services. Okay, तो वो भी आप execute कर सकते हो. तो ये simple task होता है किसी भी उसको काम को करने के लिए, manage करने के लिए. ओके एस कॉन्फिग आपको कोर सर्वर को अगर बेसिक मैनेज करना है तो ओनली एस कॉन्फिग आप याद रखेंगे एंड यू कैन मैनेज मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड कोर सर्वर विद द हेल्प ऑफ एस कॉन्फिग डैशबोर्ड ओके ये सारी चीजें अनदर लाइक अगर मुझे अपने इसी पर्टिकुलर कोर सर्वर को ये uh, लेकर जाना है जैसे कि यस दिस इज़ माय कोर सर्वर और मैं यहाँ से अगर इसको या बैक करता हूँ स्विच यूजर लॉग इन करता हूँ पासवर्ड को एंटर करता हूँ फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार तो इन केस अगर हमारे पास कोई कोर सर्वर है और इस पर्टिकुलर कोर सर्वर को है जो जी यू आई लेवल के सर्वर में कॉन्फिगर करना है तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं क्या एक्टिविटी है करेंटली हमारा कोर सर्वर है एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड योर कोर सर्वर इन जी यू आई सर्वर सो व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ टू सेटअप दिस लैब तो देखो जब भी हमें अच्छा किसी ने कोर टू जी यू आई कभी नहीं किया होगा तो क्या ही पूछना कोर टू जी यू आई करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमारे पास इमेज होनी चाहिए ओके इमेज इन द सेंस कि हमारे पास विंडोज uh, सर्वर uh, का जो भी हमें जी यू आई में लेकर जाना है तो वो जैसे मेरे पास टू थाउजेंड ट्वेल्व है तो 2012 का आई फाइल होना चाहिए जी में क्योंकि जी फीचर तो उसी के अंदर होगा ना तो पार्सल का आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट यहां पर देखो मैं करके दिखाता हूँ पार्सल के थ्रू कैसे काम करना है ठीक है और दूसरी चीज कि आपके पास आई फाइल नहीं होगा तो आप अपने कोर सर्वर को जीवाई सर्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते इट इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी क्लियर है इट इज इंपोर्टेंट एंड मैंडेटरी टू टू मैनेज कोर सर्वर इनटू जीयूआई कि जिस भी एडिशन का अगर 2012 हमारे पास है तो इसका यशो होना चाहिए 2016 है तो इसका यस ओ होना चाहिए 2019 है तो इसका यशो होना चाहिए जो भी हमारे पास है इसका एसओ और सारी चीजें होनी चाहिए हमारे पास अभी करेंटली 2012 है और आई थिंक 2016 और एब वर्जन में हमें ये फीचर भी नहीं देखने को मिलता है है ना शायद सिक्सटीन में मिलता है बट माइक्रोसॉफ्ट एबअ वर्जन में ये जो फीचर है ना ये इजली मूव करना या अपग्रेड करने का कोई फीचर नहीं माइक मतलब कोई स्टेप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के पेजेस पर आप देख सकते हो बट 2012 में ये चीज़ पॉसिबल था बहुत इजी तरीके से इसलिए मैंने 2012 वर्जन यहाँ पर लिया है अदर वर्जन के साथ आप माइक्रोसॉफ़्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कि यू कैन नॉट अपग्रेड है न फ्रॉम कोर टू जी यू आई एंड ये सब है तो बे, बेटर है कि इसका प्रैक्टिकल अगर मुझे परफॉर्म करना है देखना है सो आई कैन यूज़ विंडोज सर्वर टू थाउजेंड ट्वेल्व टू मैनेज दीज स्टेप्स इजली तो यहाँ पर मुझे अब सबसे पहले कि आई एस ओ फाइल हमारे पास है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं तो सेटिंग्स में आकर इस मशीन की सेटिंग में आकर मैं यहाँ से विंडोज सर्वर की आई एस ओ फाइल देख लूँ तो ये विंडोज सर्वर टू थाउजेंड ट्वेल्व आई एस ओ यहाँ पर कनेक्टेड है क्लियर है सबको स्टेप वन yes. अभी मैं ये स्टेप शेयर भी कर दूंगा फोर टू जी वाई ठीक है तो सबसे पहले इंसर्ट आईएसओ फाइल ओके आई एसओ फाइल इन कोर सर्वर मशीन तो कोर सर्वर मशीन में हमें आई एस ओ फाइल को क्या करना है इंसर्ट कर लेना है अब ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि ये तो हमारे पास वर्चुअल मशीन है तो मैंने आईएसओ फाइल जस्ट यहाँ से अटैच कर लिया बट अगर हम एक प्रोडक्शन के अंदर हैं तो वहां पर ये हमारे मेन कंप्यूटर पर हो सकता है या उसी पर होगा है कि नहीं तब तो हमारा कोर सर्वर नहीं है अब फीवीएम वेयर पर तो काम करेंगे नहीं तब तो हमारे पास क्या होगा एक डेडिकेटेड सर्वर होगा क्लियर है सबको yes. जब हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर है तो उसमें आई फाइल कैसे अटैच करेंगे तो आपके पास पेन ड्राइव वगैरह होगा जिसमें आप आई एस ओ फाइल को कॉपी करके और जस्ट मशीन के साथ यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते करते हुए कनेक्ट कर सकते हो और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ड्राइव से हमारा ये है जैसे कि आईएसओ फाइल कौन से मतलब कि पेन ड्राइव लगाया तो कौन सी ड्राइव है पेन ड्राइव वाला जिसके अंदर आईएसओ फाइल है ये कैसे पता चलता है आप आई थिंक यहाँ से डिस्क uh, पार्ट कमांड चलाते हो पता है किसी को डिस्क पार्ट आई थिंक डिस्क पार्ट और यहाँ से फिर आप लिस्ट लिस्ट डिस्क डिस्क लिस्ट, 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 लिस्ट या लिस्ट वॉल्यूम ये सब आप चेक करते हैं तो हमें डिटेल्स मिलती है बट बड़ा कंफ्यूजन होता है उसमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा डी ड्राइव कौन सा वो है कौन सा ये है है कि नहीं थोड़ा सा yeah. दिक्कत होता है तो बेटर है कि अब यहाँ पर लिख दो नोट पैड ठीक है तो कमांड लाइन इंटरफेस में या विंडोज के कमांड लाइन इंटरफेस में जैसे नोट पैड लिखोगे ये नोट पैड इस तरीके से खुल जाता है आप यहाँ से फाइल में आ जाओ और ओपन में आ जाओ और यहाँ से आप दिस पीसी में आ जाओ और चेक कर सकते हो कि आपका इमेज किस ड्राइव में है ये सी ड्राइव हमारा है और डी ड्राइव बना है जिसके अंदर आई फाइल यहाँ अटैच है अगर पेन ड्राइव होता तो डी ड्राइव ई ड्राइव कुछ तो आता है कि नहीं जिसके अंदर हम चेक कर लेते ड्राइव कंफर्म करने के लिए क्लियर है तो ये एक तरीका है नहीं तो लिस्ट डिस्क वाली कमांड आपको रटनी पड़ेगी तो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं यही इस्तेमाल करता हूँ तो नोट पैड लिखने के बाद ये चीज मुझे यहाँ से मिल गया तो मैं सी एल एस क्लियर स्क्रीन करके बाहर आता हूं और मैं सी ड्राइव के अंदर एक लाइक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं माउंट देना चाहता हूँ तो कौन बताएगा कि यहीं से मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ एम डी या किससे कर सकता हूँ एम के डी आई एम के डी आई और मुझे सी ड्राइव के अंदर करना है मुझे करंट लोकेशन पर नहीं करना है तो क्या पाथ देने का तरीका है किसको किसको आता है वो नहीं पर। <laughs> यही होता है ना बेसिक मतलब विंडोज के कमांड लाइन को ऑपरेट करना इसीलिए लोग भाग जाते लिनक्स में कहेंगे कि इतना बेटर तो इससे बेटर मुझे दे देगा सपोर्ट राइट right? तो कोई बताएगा नहीं एम के डी आई आर लिखेंगे मेक डायरेक्टरी और सी कोलन लगाकर आप बैक स्लैश लगाएंगे और जिस नाम से डायरेक्ट्री बनानी है लिख देंगे एंटर करेंगे आपको सी ड्राइव के अंदर माउंट नाम से डायरेक्ट्री बना देगा करंटली मैं सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम की डायरेक्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम की डायरेक्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं ये सब तो पता है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ये जब आप ओएस ये बेसिक पीजी वो नहीं होता है डीसीए कंप्यूटर का प्रोग्राम या लोकल कुछ हाँ, बताया जाता है तो मुझे लग रहा होगा कि ये प्रॉपर सबको आता है जरूर इस पर थोड़ा सा पढ़ लें एम के डी आई आर सी माउंट पॉइंट मैंने सी ड्राइव के अंदर बनाया अब ये माउंट पॉइंट क्यों बनाया पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पर सारी चीज करा रहा हूं ध्यान से देखना मैंने जैसे ही यहाँ पर सी माउंट पॉइंट क्रिएट किया अब ये कमांड्स क्या मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं अगर मैं कर सकता हूं तो नहीं, नहीं सर आपको शायद माउस कॉपी करके प्रेस एंटर करना पड़ेगा कॉपी हो गया

इमेज माउंटेड इन डी ड्राइव क्लियर है डी ड्राइव के अंदर तो डी ड्राइव के अंदर मुझे चेक करना है कि इमेज प्रॉपर है या नहीं है क्या है तो हमारे पास एक कमांड है डी आई एस एम ओके डी आई एस एम स्पेस देना है और फॉरवर्ड स्लैश एंड देन गेट हाइफन इमेज इनफो क्लियर है आप लिखेंगे गेट हाइफन इमेज इनफो एंड देन स्पेस फॉरवर्ड स्लैस इमेज फाइल्ड ओके इमेज फाइल और इमेज फाइल हमारा किस लोकेशन पर है डी तो मैं यहां पर दे दूंगा डी कॉलन अब ये केस सेंसिटिव नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट केस सेंसिटिव नहीं होता है बट यही लिनेक्स होता तो हमें डी कैपिटल है तो डी या इमेज फाइल में इमेज कैपिटल है तो वो देना होता है ना तो ये भी चीज़ है तो ठीक है जस्ट मैंने इमेज फाइल डी एंड देन बैक स्लैश एक चीज मैं बता दूं कि हमारे जो इमेज फाइल होती है ना विंडोज की चाहे वो विंडोज सेवन हो एट हो टेन हो इलेवन हो ट्वेल्व हो सर्वर का कोई भी वर्जन हो जब आई एस ओ फाइल को आप ओपन करते हो तो उसके अंदर एक सोर्सेस नाम की डायरेक्टरी होती है ओके okay? आप लोगों ने फॉर्मेटिंग कई बार किया होगा बट ये शायद कभी जानने की कोशिश ना किया हो सोर्सेस नाम की डायरेक्टरी होती है और उस सोर्सेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल्स मिलती हैं आपको जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने में और इंस्टॉल कराने में हेल्प करती हैं पहली फाइल है बूट डॉट विम की तो वो बूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और एक फाइल वहाँ पर होती है

इट इज अ कोर सर्वर हमें इसको भूल जाना है ये ये तो हमारा करंट हमारा वर्जन चेक कर लेंगे तो हमारा डेटा सेंटर है तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड है तो इसको भी नहीं करना ये हमारे पास आर टू का डेटा सेंटर कोर है इसको भी नहीं करना ये हमारा इंडेक्स नंबर फोर पर क्या है डेटा सेंटर जी क्लियर है yes. तो लास्ट हमारा जो जहां कोर नहीं लिखा उस के जहां कोर लिखा है वो तो कोर है जहां नहीं लिखा है वो हमारा जी है और डेटा सेंटर यहाँ पर सर्वर डेटा सेंटर यही वर्जन मुझे लेना है तो हमें ये ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है हमें जस्ट ये क्या चाहिए इंडेक्स वैल्यू मैंने अभी बताया ना पार्सल या इसका इंडेक्स वैल्यू आपको चाहिए तो इंडेक्स नंबर कितना है फोर फोर तो अब मुझे आगे स्टार्ट करना है इंडेक्स नंबर फोर पर है तो अगला एग्जीक्यूशन होगा हमारा डी आई एस एम ओके स्पेस स्लैश और माउंट हाइफन विम माउंट करना मतलब होता है इंसर्ट करना ओके okay? तो माउंट हाइफन विम अब मैं माउंट कर रहा हूं विम की फाइल को कहां के लिए विम फाइल ओके विम फाइल कोलन डी कोलन और यहां से बैक स्लैश किस नाम से डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारी फाइल्स है सोर्सेस इसके अंदर किस नाम से फाइल है इंस्टॉल डॉट विम इंस्टॉल डॉट विम ले लिया उसके बाद स्पेस देना है यहाँ पर ठीक है स्पेस देकर मुझे ये माउंट कहां पर करना है क्लियर है ये माउंट का मतलब इसको इंसर्ट कहां करना है मेरे कहने का मतलब कि अभी हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर है हमारे एक्सटर्नल ड्राइव में है है ना सीडी डी ड्राइव में या पेन ड्राइव में है तो ड्राइव का ये लोकेशन मैंने दिया और मैं माउंट कहाँ पर करूंगा जो मैंने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था माउंट नाम से तो हमारा पेन ड्राइव या फिर सी डी 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 ड्राइव से जो इमेज डॉट इंस्टॉल डॉट विम की फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगा कहां पर हमारे लोकल कंप्यूटर के सी ड्राइव के माउंट नाम की डायरेक्टरी में उसके बाद मैं इसी डायरेक्टरी से उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकता हूं अभी समझ में आया माउंट क्यों करें मतलब हमारी एक्सटर्नल ड्राइव में जो डेटा है उसको मैंने इंसर्ट किया अपने लोकल ड्राइव में और वो जस्ट एक इंसर्ट किया वो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ वो वहां से एक लिंक के थ्रू वहां अटैच हो जाएगा ओके इंसर्ट करना मतलब वो अटैच जैसे पेन ड्राइव हम अगर लैपटॉप पर कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट पर तो उसके साथ वो लिंक नहीं हो जाता है वो जस्ट वहां इंसर्ट होता है और काम करते हो निकाल देते हो आप तो फिर वहां से वो अपना डेटा हटा देता है तो हमें चार जीबी पांच जीबी या जो भी इंस्टॉलेशन फाइल है वो अपने सिस्टम पर रखना थोड़ी ना है जस्ट मैंने उसका एक लिंक यहाँ अटैच किया क्लियर हुआ इंस्टॉल डॉट विम का एक जस्ट लिंक यहाँ माउंट किया मैंने माउंट करना मतलब इंसर्ट करना ठीक है अब जैसे ही मैंने इंसर्ट किया मैंने यहाँ पर स्पेस देकर अब मुझे कहाँ पर इसको रखना है और इंडेक्स नंबर क्या था तो फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स फोल एंड ठीक है इसके बाद हमें स्पेस स्लैश किस नाम से डायरेक्टरी था माउंट माउंट कहीं स्पेलिंग बोलने लिखने में गलत मैं वो कर दूं तो बताना माउंट और डी आई आर कॉलन सी कॉलन एंड देन बैक किस नाम से डायरेक्टरी था सी के अंदर माउंट नाम से स्पेस देना है फॉरवर्ड स्लैश और हमेशा ध्यान देना रीड ओनली की परमिशन देना है एंटर करेंगे और ये इंसर्ट हो जाएगा थोड़ा समय लेगा तो वो अपने एक्सटर्नल ड्राइव से इंस्टॉल डॉट विम की फाइल को सी ड्राइव के माउंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये ऐड कर दिया Done. ठीक है सक्सेसफुल अगर सक्सेसफुल मैसेज आया तो मतलब हमारा सारा काम सही है अब हम लोगों को यहां से अब इसका फीचर इनेबल करना है तो क्या माइक मतलब विंडोज सर्वर में कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके कोई रोल का रोल के ऊपर काम किया जा सकता है नहीं कमांड लाइन तो बेसिक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए है कॉपी पेस्ट डायरेक्टरी बनाना फोल्डर के अंदर आना जाना है ना ये सारी चीजों के लिए बट सर्वर के किसी रोल को इंस्टॉल करने के लिए हमें पावर सेल के थ्रू काम करना पड़ेगा पावर सेल के साथ वो मतलब पार सेल टूल अब मान लिया कि मैं कह दूं कि आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू गूगल को एक्सेस करके दिखाओ इज इट पॉसिबल यस पॉसिबल है बट आप उसको इजिली एक्सेस नहीं कर पाओगे ओके okay? तो आपको क्या चाहिए गूगल क्रोम चाहिए या अदर ब्राउजर चाहिए उस पर आप इजिली काम कर पाओगे तो वैसे यहां पर है अब मुझे पार्सल की जरूरत पड़ेगी आगे के टास्क के लिए तो मैं क्या लिखू यहां पर मैं लिख दू पार्सल और एंटर अभी देखो यहां क्या लिख कर आ रहा है सी मतलब कमांड लाइन इंटरफेस या सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओके okay? मैंने पार्सल लिख कर एंटर किया तो अब देखो यहां पर क्या आ रहा है पार्सल ओके तो अब जितना भी मैं काम करूंगा वो पार्सल के बिहा पर होगा इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर्स स्पेलिंग सही है विंडोज फीचर्स नहीं नहीं फीचर इंस्टॉल स्पेस विंडोज फीचर स्पेस सर्वर हाइफन जी यू आई मैनेजमेंट के लिए एम जी एम टी इंफ्रा अभी हमारा इंफ्रा कैसा मैं करने वाला जी यू आई तो बस यहाँ पर इंफ्रा जी यू आई फन अब हमारा सेल कमांड लाइन से किस में जाने वाला है जी यू आई सेल में कन्वर्ट हो जाएगा सेल एक इंटरक्टिव सेल यहाँ पर मिल जाएगा आपको जी यू आई का राइट अभी हमारे पास जो सेल्स है सॉरी से, जो सेल है वो क्या है कमांड लाइन सेल है कमांड लाइन इंट्रेक्शन है तो हम लोग यहाँ से जी यू आई सेल मीन्स जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जा रहे हैं तो जी यू आई सेल और एस एच ई एल एल स्पेलिंग सही है फिर आर री स्टार्ट सर्वर रीस्टार्ट होगा तभी ये काम करेगा तो री स्टार्ट हमेशा अप्लाई करना है एंड देन सोर्स एस ओ यू आर सी ई सोर्स और सोर्स के साथ हमारे पास सोर्स 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 और स्पेस देना है सोर्स के सोर्स है के बाद हमारा सी अभी मैंने माउंट पर किया था अब मुझे सोर्स लेना है तो सोर्स सी ड्राइव के अंदर मैंने माउंट किया था आ, किस नाम से माउंट था सी के अंदर माउंट नाम की डायरेक्टरी है ना यश yes, और उस माउंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर जब माउंट हो जाएगा मैं इसको चेक करके दिखाऊं क्या नोट के थ्रू मैं चेक करवा सकता हूँ बट अभी मैं बाहर जाऊंगा तो दिक्कत होगी आप समझ रहे हो है ना ये पूरा जो इतना काम हुआ है ये फिर से करना पड़ेगा तो मैं नोटपैड में जाकर वहां पर जब माउंट सी ड्राइव ओपन करूंगा सी के अंदर चेक करूंगा तो वहां दो फाइल्स मिलेंगी एक विंडोज और एक विन एस एक्स एस ओके तो माउंट के अंदर एक फाइल मिलेगी हमें विंडोज मतलब डायरेक्टरी विंडोज करके विंडोज करके और इसके अंदर बैक स्लेस करके किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं हम लोग इसके अंदर मिलेगा विन एस एक्स एस ओके ये एक बार मैं मैच करता हूं इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर स्पेस सर्वर hyphen जी management मैनेजमेंट इंफ्रा कॉमा जी सेल लेना है मुझे restart हाइफन के साथ हाइफन सोर्स सी माउंट विंडोज विन एस एक्स एस कहीं दिक्कत नहीं है एंटर कर देंगे और ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा तो ये कह रहा है कि इंस्टॉल विंडोज फीचर के अंदर हमें इंफ्रा जी यू आई सेल जो है वो नेम इनवैलिड दिखा रहा है सर आँ. बैक कमांड पर आते हैं एंड बैक आते हैं इंस्टॉल की स्पेलिंग सही है यहाँ पर कैटेगरी दी गई इन स्ट्रिंग डिस्ट्रिक जी यू आई हाइफन सेल ओके तो मैंने यहाँ पर जी यू आई नहीं इंफ्रा मैंने दिया आई एन एफ आर ए इंफ्रा एंड कॉमा इंफ्रा कॉमा के बीच में ये एक मिस्टेक है सर्वर जी वाई सेल होगा ना कॉमा सर्वर सर्वर एंड हाइफन जी यूआई सेल अभी सही एंटर करते हैं सर्वर वर्ड छूट गया था इंफ्रा कॉमा सर्वर हाइफन जी यूआई हाइफन सेल तो ये यहाँ पर इनवैलिड इसी लिए बता रहा है कि GUI सेल की स्ट्रिंग में कोई दिक्कत है है ना समझ में आया सबको ये थोड़ा सा स्टेप बस वो है पार्सल के साथ इसीलिए कहा जाता है पार्सल के साथ काम करना थोड़ा सा हैबिचुअल बनना पड़ेगा थोड़ा समय देना पड़ेगा वो भी सीख जाएंगे रिसोर्सेस, लोकेशन डायरेक्टरीज के बारे में अच्छी नॉलेज बेसिक ओएस कमांड प्रॉम्प्ट की नॉलेज है तभी आप पार्सल अच्छे से काम कर पाओगे ना सरी, जो कमांड लिखा गया ये आप मतलब आप अभी कहीं मैं शेयर हट नहीं नहीं मतलब इसको याद रखना पड़ेगा या आ, याद करना पड़ेगा याद नहीं है तो आप इसका नोटपैड अपने ईमेल या कहीं पर सेव करके रखिए पार्सल के लिए आपको कुछ नहीं करना है जैसे सर्वर जैसेल कमांड ठीक है माइक्रोसॉफ्ट खुद ही आर्टिकल आपको दे देगा या यहाँ से आप उठा सकते हो फेल टू कन्वर्ट फेल अगर हो जा रहा है तो क्यों हो जा रहा है आप यहाँ से भी देख सकते हो ट्रबल शूटिंग लिखा हुआ है ये एरर का कुछ कोड आता है ये एरर के लिए सिक्सटी सेवन के बाद ये एरर भी आता है हम लोग कहाँ पर है सिक्सटी सेवन पर ही है सिक्सटी <laughs> एट पर है नहीं आना चाहिए तो फिर इधर ही आके देखना पड़ेगा कि ये क्यों एरर आ रहा है हो सकता है कुछ लॉग या कुछ ये डिटेल्स है कि नहीं देखो ये मशीनें हैं या सिंपल हम लोग प्रोग्राम पर काम करें प्रोग्राम के अंदर एरर किसी भी स्टेप में आ सकता है ये चीज ध्यान में रख के काम करेंगे और हमें सॉल्व करने के लिए उसको तैयार भी रहना पड़ेगा गेटिंग माय पॉइंट यस तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे अह डेटा टाइम मोस्टली हां मोस्टली मोस्टली कंपनी में ज्यादा किसको प्रेफर देते अपना कमांड अ, अ, इमेज को या जीयूआई जी आई को कमांड okay. के बराबर आप में से सभी वर्किंग है सर्वर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं सबके वहां जी आई होगा राइट ये मैं एडिशनल के लिए बता रहा हूँ कि अगर इसके साथ कभी कुछ करना पड़े कुछ टास्क कुछ सर्विसेस तो लगे कि ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल कभी देखा ही नहीं है ना आपको

देखो यहां से कमांड्स है ना ये इसने अपने नाम से मतलब कि अपना जो अलग टेम्प फोल्डर बनाया है, वो बना रखा है मैंने माउंट नाम से बनाया था तो वो सब चीजों के ऊपर काम किया बाकी सब कुछ वही है क्लियर है इंस्टॉल फीचर एंड ऑल इंस्टॉल जीयूआई रिलेटेड ये सब कमांड्स तो अगर कुछ चीजों का अपडेट लेना है तो आप कर सकते हो यहां पर देखो ऊपर ही एक आर्टिकल यहाँ पर लिख कर आ रहा है या, ये, यही वाला है जो हम लोगों ने ट्राई किया इंस्टॉल जीवाई फीचर ये वो आप देख सकते हो तो यही आर्टिकल है अब इसमें कहाँ लिखा है इसने फॉन्ट बहुत अलग इस्तेमाल किया है है ना किधर है देखो माउंट किया जिस भी अलग नाम से माउंट करो गेट विंडोज पाथ आपको पता चल जाएगा उसके बाद इंस्टॉल कर लिया रीस्टार्ट मैंडेटरी था इसने डायरेक्टली जहां से गेट किया ना डी ड्राइव उसी से इंस्टॉल कर दिया आप समझ रहे हो तो इसने माउंट नहीं किया इसने इमेज से माउंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो मैं अभी आपको अपना स्टेप शेयर कर दूंगा ओके ये देखो पार्सल की ट्रेनिंग है ये चार पाँच एक घंटे की जो ट्रेनिंग इससे बढ़िया से हमारे इस चैनल से आप ए डी वगैरह को भी पढ़ सकते हो ये प्रोग्राम को लोग पढ़ने के लिए फिर पे भी करते होंगे ना पार्सल के ऐसे प्रोग्राम मतलब मल्टीपल प्रोग्राम यहाँ पर मिलेंगे पार्सल का ये पूरा डिटेल्स है जहाँ से आप अपना आगे प्रोसेस कर सकते हो पार्सल क्या है पार्सल से अलग अलग टास्क और चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं ठीक है ये सब पार्सल की पूरी कमांड ये पीडीएफ चाहिए तो यहीं से पीडीएफ पूरा पार्सल का डाउनलोड कर सकते हो ये मेरे इस इस पर डाउनलोड नहीं हो रहा है आपके सिस्टम पर ये एरर नहीं आएगा ये मेरा ब्राउजर खराब हो चुका है एक्सपायर हो चुका है यहां पर एरर नहीं आएगा ये पार्सल का देखो पूरा प्रोग्राम है तीन हजार चारो सोलह पेज की बुक है पार्सेल की देख रहे हो आप तो आप इससे देख सकते हो पढ़ सकते हो इसका इस्तेमाल करके मैं लिंक शेयर कर दू किसी को डाउनलोड करना होगा तो कर लेना चीज़। चैट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया अब देखो हमारे पास ये सर्वर रिबूट हो गया मैंने इसको लॉग इन करना है अब अब चेक करूं क्या ग्राफिकल हमें मिला मिल गया सक्सेसफुल है जी सक्सेसफुल है तो ये सिंपल प्रोसेस था मैं इसको अच्छा आ, ओके सर ये ये जो कमांड लाइन था उसका आपने वो क्या क्या ग्राफिकल इंटरफेस तो आ, वो था क्या? मतलब जो कोर सर्वर पर हम लोग थे अब उसको कोर टू जी आई में हम लोगों ने क्या किया कन्वर्ट किया ओके okay? ये प्रॉपर कमांड्स है तो मुझे इसमें से रिमूव अनमाउंट अनमाउंट करने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिक हो जाता है आपका रिबूट होते ही इंस्टॉल वाला हो गया पार सेल में एंटर करने के लिए कमांड है डी आई एस एम से ये आप कर लोगे डी आई एस एम से ये इंफॉर्मेशन इंडेक्स नंबर फोर पर था माउंट कैसे किया ये ये चीज यहां से का मैं हटा दूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा ये वन टू थ्री से आप भूल जाओ वन नंबर इज नथिंग ये ये लाइन है, थर्ड लाइन है ये फोर्थ लाइन है फोर्थ ये, ये जो कॉमा है इसको हटा दो आप कॉमा ये सब मैं क्यों हटा रहा हूँ क्योंकि आप माइनर सा भी छोटा सा भी वो होगा तो ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ पर है ना बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डी आई एस एम सब कुछ है यहाँ तक ये ठीक है तो ये मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ को टू जी स्टेप और मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ अरे परेशान ना हो कोई लोग कोर सर्वर आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा ठीक है बिल्कुल भूल जाओ ये एडिशनल पढ़ लिया आपने समझ लो ठीक है एक जानकारी के लिए परेशान ना हो कोई मैसेज भी कर रहा है कौन सा यूज होगा कौन सा ये जस्ट Just...